नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़ और मैं हूँ काजल आपके साथ। सरकार की ओर से सरकारी स्कूल में सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है ताकि स्कूल में बच्चे रोजाना आए और उन्हें पर्याप्त पोषण मिलता रहे। इसी के लिए सरकार ने मिड डे मील योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार बच्चों को शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य और पोषित बनाना चाहती है और सितंबर 2021 में मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया था। लेकिन इस योजना के संदर्भ में आए दिन कोई ना कोई खबर हमें देखने को मिलती ही रहती है, जिसमें कभी मिड डे मील स्वयं सेवक अपने दर्द को प्रदर्शन करते नजर आते हैं, कभी बच्चों के मिड डे मील में नमक और रोटी परोसी जाती है, कभी सिर्फ सफेद चावल या फिर कभी चावल के साथ पानी से भरी दाल। नहीं मिलता है। कभी नहीं, नहीं सर। और क्या नहीं मिलता है? और खाना भी आधा पेट मिलता है। आधा पेट? यस सर। केला रोज मिलता है? नहीं सर। केला भी नहीं? नहीं मिलता। खाली चावल लिए हो? यस सर। क्यों? दाल नहीं है। दाल नहीं है? आधा किलो दाल भोजन मतलब बच्चा कैसे खाएगा? कितना दाल में? आधा एक किलो आधा दाल। हाँ, बताओ। के बिना दाल के चावल लेके घूम रहे हैं? अजी, तीन पाव दाल मिला है क्या? 46 लड़के खा रहे हैं तो कहाँ से खाएंगे? पसीने पाव मिला है? हाँ, दूध दूध का है ना, खिलाते हैं। नहीं मिलता है, केला नहीं मिलता है और दाल कम आता है। सब्जी 2 किलो आलू आता है, आधा किलो बैगन आता है, तो कहाँ से हम लोग खिलाएंगे? अब इसके अलावा मिड डे मील की योजना में होते तगड़े घोटाले हमें आए दिन देखने को मिलते ही रहते हैं। मिड डे मील की योजना में आगरा में हालिया घोटाला उजागर हुआ था, जो 11.46 करोड़ के करीब का था और इस खेल में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का पूरा सहयोग था। हम इससे तो काफी वाकिफ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के मिड डे मील में पूड़ी, पनीर की सब्जी, आइसक्रीम और सेब जैसी चीजें खिलाई जा रही है। क्या सच में हो सकता है कि जालौन के स्कूल की वायरल तस्वीरें आपके सामने भी पहुंची हो? ऐसे में आपको भी एक जिज्ञासा हो रही होगी कि क्या सचमुच उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इतना रिच, पौष्टिक और सुस्वादु मिड डे मील दिया जा रहा है। ये सवाल पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरों की शक्ल में वायरल हो रहा है। असल में जालौन जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालय मलकपुरा की तस्वीर पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस तस्वीर में स्कूल का बच्चा कथित तौर पर मिड डे मील की थाली लेकर खड़ा दिख रहा है। इस थाली में पूड़ी, पनीर की सब्जी, सेब, आइसक्रीम, शेक और खीरे का सलाद जैसी चीजें दिखाई दे रही है। इस तस्वीर के साथ लोग फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा करने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में सरकारी स्कूल में ये मिड डे मील दिया जा रहा है। मजेदार बात यह है कि इन पोस्टर्स में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल की तारीफ हो रही है, तो दिल्ली में भी मजे लिए जा रहे हैं। खैर, अब जानते हैं वायरल तस्वीरों का पूरा सच क्या है। असल में जिस ग्राम पंचायत मलकपुरा के स्कूल के मिड डे मील की तस्वीर वायरल हो रही है, वो एक स्पॉन्सर्ड व्यवस्था है। इस व्यवस्था का नाम है तिथि भोजन। कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर आपका जन्मदिन है और आपकी मर्जी है तो वहाँ के स्कूल के मिड डे मील के तिथि भोजन को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। जो तस्वीर वायरल हो रही है वो बीते 31 अगस्त के तिथि भोजन की है। इसी योजना के अंतर्गत तिथि भोजन की सुविधा मौजूद होती है। इसमें कोई व्यक्ति या समुदाय किसी विशेष तिथि जैसे किसी का जन्मदिन या त्योहार पर बच्चों के लिए खाना उपलब्ध करा सकते हैं। गुजरात में सबसे पहले तिथि भोजन योजना को लाया गया था और मोदी सरकार आने पर पूरे देश में इस योजना को लागू करने की योजना बनी थी। 2 अगस्त 2019 को देश की संसद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी तिथि भोजन योजना का जिक्र किया था। भागीदारी उसमें भी सुनिश्चित कर सके। अध्यक्ष महोदय, आपने उल्लेख किया पोषण अभियान का, जो शुरुआत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी पोषण के संदर्भ में मात्र तभी चिंतित हुए जब वो प्रधानमंत्री बने? ऐसा नहीं। जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम किए, जिनमें से एक का मैं विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ, जिसे सांसद बिना किसी कॉस्ट के आज अगर चाहें तो अडेप्ट कर सकते हैं। वो है तिथि भोजन।
जब मुझे आशीर्वाद मिला कि मैं प्रकाश जी जैसे, निशंक जी जैसे शिक्षा मंत्रालय में थी, तो साल 2015 में मैंने सभी राज्यों से, सभी सांसदों से ये अपील की थी कि तिथि भोजन के कॉन्सेप्ट को आप एक्सेप्ट करें। तिथि भोजन है क्या? हम सब अपने परिवारों में जन्मदिन या फिर किसी प्रियजन का जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। क्या हम मिड डे मील के अंतर्गत सरकारी स्कूल में या आंगनवाड़ी में जितना पैसा केक काटने में, मिठाई बांटने में खर्चा करते हैं, उतने ही पैसे में एक स्पेशल मिड डे मील, तिथि भोजन हम अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं? 31 अगस्त की इस तिथि भोजन के मेन्यू में पूड़ी, मटर पनीर की सब्जी, सलाद, मिल्कशेक, फल में सेब और मीठे में आइसक्रीम शामिल दिख रही है। जबकि तीसरी तस्वीर में स्कूल के बच्चे एक पोस्टर लेकर खड़े हैं। इसमें वो खास तिथि भोजन के लिए किसी सौरभ भैया को उनके जन्मदिन की बधाई भी दे रहे हैं। तो तिथि भोजन योजना के तहत मलकपुरा पंचायत में सरकारी स्कूल के बच्चों को महीने में कम से कम एक बार और ज्यादा से ज्यादा चार बार इस तरह का खाना दिया जाता है। क्योंकि वायरल तस्वीर का पूरा सच आप जान ही चुके हैं, ऐसे में एक सहज जिज्ञासा भी होगी कि आखिर उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील में क्या खिलाया जाता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने जब पड़ताल की और उत्तर प्रदेश मिड डे मील की आधिकारिक वेबसाइट पर मिड डे मील का मेन्यू चेक किया, तो वेबसाइट पर मौजूद मेन्यू वायरल तस्वीर में दिख रहे मेन्यू से बिल्कुल अलग है। मिड डे मील में पनीर का जिक्र नहीं है, जबकि थाली में पनीर की सब्जी दिखाई दे रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिड डे मील वही जो अब पीएम पोषण योजना हो गई है, क्या वाकई में साकार हुई है? अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसा हो रहा है तो हमें जरूर इसकी जानकारी दें। इस विषय पर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों को और विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।